पूर्वी डीडी नगर निगम मुख्यालय में स्व सेवी संस्था शुभ ग्रुप के सहयोग से रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट्स एंड एडॉप्टेशन ऑफ स्ट्रे डॉग विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल, अस्थाई समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार, नेता विपक्ष मनोज त्यागी, निगमायुक्त विकास आनंद, पशु चिकित्सा विभाग के निदेशक डॉक्टर मूलचंद के अलावा कई निगम पार्षद अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर महापौर ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा सितंबर माह में पालतू पेट्स को रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन सुविधा आरंभ की गई है, परंतु अभी तक दोनों जोनों में केवल 200 पालतू पेट्स का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 1,00,000 से ऊपर घरों में पालतू कुत्ते हैं। महापौर ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जल्द से जल्द पालतू कुत्तों का पंजीकरण करवाएं और किसी प्रकार की असुविधा से बचे। हमने जो आज कार्यक्रम है जागरूकता के लिए ही किया है। हैरानी की बात है कि मात्र 200 कुत्तों का रजिस्ट्रेशन है, जबकि अगर मैं स्ट्रीट डॉग्स को मिलाऊं तो जमुना पार में ही लाखों की संख्या होगी। हम लोगों को इनका ध्यान रखना है, लोग काटे ना, इसके लिए इनको भोजन पानी, हम लोग एक व्यक्ति दो दो कुत्तों को भी अडॉप्ट कर ले, मन में ठान ले कि हमने इन दो कुत्तों को रोटी डाल दी है, इनको पानी देना, इनका ध्यान रखना है, तो कुत्ते काटने की घटना नहीं होगी। और कुत्ते काटने के बाद तो ऐसी बीमारी होती जाती है, कई बार तो बचना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, आपके माध्यम से निवेदन है कि जिन लोगों ने डॉग्स को पाला हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो जो कानूनी परिस्थितियाँ हैं उनसे वो बचेंगे, उनके ऊपर कोई केस नहीं बनेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होने से वो कैसे मेरा रजिस्ट्रेशन, इसको हमने इंजेक्शन लगवाया हुआ है तो उससे बच जाएगा। इसके अलावा जो स्ट्रीट डॉग्स की बात है अगर उसको अडॉप्ट कर लेंगे, उनको भोजन पानी सब कुछ देंगे तो काटने की घटना नहीं होगी। मैंने तो अपने जीवन में देखा है कि कुत्ता तभी काटता है जब उसको खाना नहीं मिलता या कोई उसको डंडा मारता है या उसको भगाने की कोशिश करता है। आप उससे प्यार से पेश आइए, आप एक बार प्यार करेंगे वो 10 बार प्यार करेंगे। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त विकास आनंद ने बताया कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा शुभ ग्रुप के सहयोग से डॉग एडॉप्टेशन का विचार विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई नागरिक पशुओं के प्रति संवेदना रखता है और कोई स्ट्रे गोद लेना चाहता है तो पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा टीकाकरण, स्टरलाइजेशन संबंधी सारी औपचारिकताएं पूरी की जाएगी। निगम आयुक्त ने कहा कि यदि स्थानीय लोग आगे बढ़कर स्ट्रे डॉग गोद लेंगे तो कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले में निश्चित रूप से गिरावट आएगी। हमारे वेबसाइट पे ऑनलाइन पेट रजिस्ट्रेशन के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है, जो भी पेट ओनर्स हैं वो उस पर अपने पेट का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके साथ में ही हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं जो उनको भी लोग जो डॉग लवर्स हैं वो उनको अडॉप्ट करें, और हमारी तरफ से जो भी उसके लिए सपोर्ट चाहिए हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो उसका जांच है, जो मेडिकल जांच है वो हम पूरा करा के ये करके दें कि अच्छा इस अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो फिट फॉर अडॉप्शन है। सेलेक्ट कौन करेगा सर स्ट्रीट डॉग को? हम खुद करेंगे। हमारे जो हमारे बहुत सारे अच्छे इतने रेजिडेंट्स हैं जो काफ़ी सपोर्ट करते हैं जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स को, और उनको खाना खिलाने का और वैसे भी उनको उनके सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, तो अगर वो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं तो हम उसमें मदद करेंगे। सर इसका मैसेज क्या देना चाहते हैं सर, किस तरीके से फ़ायदा होगा आम लोगों को इस मुहिम से? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं सबको बराबर का सर्वाइवल का अधिकार है, और जो डॉग लवर्स हैं वो अगर ओनरशिप लेंगे तो ये हमारे जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो और अच्छे ढंग से वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे। हमारे हम इसी के लिए हमारे को उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि अगर हम इस तरीके का अरेंजमेंट अगर कुछ कर पाएँ तो पक्का उससे डॉग बच